गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस डिसिमिलरिटीज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. जो लिविंग थिंग्स थे उसके डिसिमिलरिटीज विषमताएं देखी थी हम लोगों ने, और विषमताएं देखने के बाद हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. अब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आज हम कुछ मिनट्स देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगी. ओके, फर्स्ट मीनिंग देखो, लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मीन्स जीवित चीजें, उसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं सजीव, यानी जिसके अंदर जान होती है, जो जीवित वस्तु, उसे क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, रिप्रोड्यूस, प्रजनन करना या फिर पैदा करना, यानी अपने में से दूसरे सेम सेम अपने जैसे उत्पन्न करना, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट है सिमिलरिटीज, यानी समानताएं, जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये जो थ्री लिविंग थिंग्स है इसके अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, ये दोनों हम लोगों ने देखे थे. तो सिमिलरिटीज मीन्स समानताएं. यस, क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना. अब देखो सिमिलरिटीज की समानताएं ये होता है, अगर इसके आगे जस्ट DIS लगाएंगे तो क्या होगा? डिसिमिलरिटीज, यानी यहाँ एक आपका अपोजिट तैयार हो जाता है. क्रॉल, रेंगना, अनकंफर्टेबल, तकलीफ देह, असुखदायी, जो हमें आराम, बिल्कुल आराम महसूस नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनकंफर्टेबल. और इसमें देखो इसका अपोजिट क्या आएगा? कंफर्टेबल. ओके, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल मीन्स तकलीफ दे. नेक्स्ट, एबिलिटी. एबिलिटी यानी योग्यता, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इन तीनों में जो जो योग्यताएं थी, फीलिंग्स की योग्यता, सोचने की योग्यता, ये सारा हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था. नेक्स्ट है सर्वाइवल, उत्तर जीविका. सर्वाइवल स्किल्स यानी क्या होता है? जो अपने जीने की कला होती है, उसे हम कहते हैं सर्वाइवल स्किल्स. ये तो हो गया अपने मीनिंग्स. ये आपको क्या करने हैं? अपने नोटबुक में रिसेंटली राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में देखो पेज नंबर 21 ओपन करना. पेज नंबर 21, इसमें आज हम देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन ए, फिश. ओके, ए फिश. फिश क्या करता है? वॉकिंग करते हैं फिश, चलते हैं, रूम्स करते हैं या स्विम करते हैं? यस, फिश क्या करते हैं? वाटर में स्विम करते हैं. तो हम क्या करेंगे? स्विम के यहाँ टिक करेंगे. कर लिया सबने? यस. नेक्स्ट, अब देखो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल. प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उस लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको स्मॉल पोर्स ड्रॉ करके भी बताए थे. नॉस्ट्रिल, नो. स्टोमाटा, यस, उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा. गिल्स, गिल्स के द्वारा ब्रीथ कौन करता है? फिश. तो गिल्स आएगा नहीं, क्या आएगा? स्टोमाटा. नंबर थ्री, ह्यूमन बींग्स वॉक विद द हेल्प. हम इंसान किसके द्वारा चलते हैं? लेग्स, विंग्स एंड हैंड्स. ये तो नॉर्मली अपने को पता है, किसके द्वारा चलते हैं? लेग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स दैट क्लोजेस इट्स लीव्स इफ टच. ओके, ऐसा प्लांट्स जिसको टच करने के बाद क्या होता है? उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो प्लांट कौन सा है? टच मी नॉट. आपको यहाँ लिखना है टच मी नॉट. नेक्स्ट, फ्लावर्स दैट मूव्स टूवर्ड्स द सन. ऐसा फ्लावर जो सन की तरफ मूव करता है, सन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा फ्लावर कौन सा है? सन फ्लावर. नेक्स्ट, ऑर्गन्स थ्रू विच फिश ब्रीथ. अभी मैंने ऊपर वाले में आपको समझाया था कि फिश कौन से ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं,
यस क्या आएगा जी आई डबल एल एस गिल्स, यहाँ ऊपर भी आपके गिल्स आया हुआ है, यहाँ गिल्स। ओके नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। तो ऐसा प्लांट कौन सा है जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं? यस मशरूम। मशरूम ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है। ये नॉन ग्रीन प्लांट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट टू ट्रीज विच गिव्स अस फ्रूट, दो ट्रीज के नाम बताने जो हमें क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं, मैंगो एंड एप्पल। ये सारे आपको क्या करने हैं? अपने नोटबुक में राइट डाउन करने। पहले आप क्या करोगे? अपने बुक में फिल करोगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे। ओके नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके तब तक के लिए थैंक यू।